दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले आप लोगों में से बहुत सारा वीडियो देखा था जो फिनो पेमेंट्स बैंक का तरफ से IDFC बैंक का कस्टमर सर्विस पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, तो आखिर दोस्तों जो IDFC बैंक है, IDFC बैंक का फिनो पेमेंट्स बैंक का तरफ से जो दे रही है, तो आप किस तरह ले सकती है। और वहां पे अगर आप लोग फिनो आधार सेंटर सर्च करेंगे, लिखेगा गूगल में, तब दोस्तों यहाँ पे फिनो आधार सेंटर आप लोग लिखेगा तो आपको एक वेबसाइट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जब मान के चलो लिखेंगे FINO फिनो आधार सेंटर, आधार सेंटर लिखने के बाद दोस्तों आपका सामने एक ऐसा तो एक ऑप्शन आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों आधार सेंटर का आधार, यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटी आपको देखने को मिलता है जो आधार सेंटर .com फिनो ऑफिसर आधार सेंटर सचिन बेसंत थवार बोल के है ये दोस्तों, यहाँ पे एक आर्टिकल खोल के आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों में से बहुत सारा भाई लोग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा भी आर्टिकल है, फिनो का तरफ से आधार सेंटर मिल रहा है और IDFC बैंक का भी BC पॉइंट मिल रहा है। तो आखिर दोस्तों क्या है, ऐसा क्या सिस्टम है, चलिए दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जानकारी देंगे आपको। शायद आपको इस वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक का जो आईडी है, अगर आप लोग आपका पास है फिनो का आईडी है तो आपको दोस्तों IDFC बैंक का तरफ से दोस्तों आधार सेवा केंद्र मिलने वाला है। तो आपको कैसे मिलेगा, चलिए आज का जो टॉपिक, इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। जब दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्विटर हैंडल, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में आ जाएंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे हमको लेके जाएगा ट्विटर में। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्विटर साइन अप करके रखा नहीं है, तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट लेके जाएगा twitter.com में। तो चलिए हम देखेंगे क्या हमारा लॉगिन होता है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा इसका आईडी नहीं है, इसलिए लॉगिन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके उसको बैक करेंगे क्योंकि दोस्तों हमारा आईडी नहीं है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है फिनो पेमेंट बैंक ऑफिशियल साइट, यहाँ पे फिनो पेमेंट्स बैंक आधार रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जब आप क्लिक करेगा तो आपको क्या करेगा दोस्तों, एक नई वेबसाइट में लेके चला जाएगा जो पहले आपको वेबसाइट दिखाया। ठीक है, अभी दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक का तरफ से जो आधार सेवा केंद्र मिल रही है वो कैसे मिल रहा है, ठीक है, आपको वो भी जानकारी लेना है इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा उसका बारे में, आपको यहाँ पे फुल डिटेल्स मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज तो अभी मार्केट में जो फिनो पेमेंट्स बैंक का जो आईडी होता है आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा भाई लोगों को पता नहीं है, तो अभी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं अभी इसको बैक कर लेता हूँ यहाँ पे जाके, क्योंकि स्लो काम हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग आ चुका है क्या दोस्तों, कहाँ पे आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से IDFC बैंक का हमको BC पॉइंट मिल रही है। तो उसमें हमको क्या क्या मिल रहा है दोस्तों, BC भी मिल रहा है और बैंकिंग पॉइंट भी मिल रहा है। ठीक है, तो अभी दोस्तों एक न्यू अपडेट आया है, आधार सेंटर। आधार सेंटर आपको कैसे मिलेगा, अगर दोस्तों आपका पास फिनो का आईडी है तो आपका पास शायद IDFC बैंक का भी कस्टमर सर्विस पॉइंट होगा। चलिए दोस्तों IDFC बैंक का जो आधार सेवा है यहाँ पे आप लोग आ जाना। ठीक है, आधार पे दोस्तों एक बार यहाँ पे IDFC बैंक की तरफ से दोस्तों आपको यहाँ पे फिनो जो पोर्टल है, फिनो का पोर्टल में आपको मिल जाता है। ठीक है, सब कुछ काम मिलता है। तो अभी दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, अगर आपको IDFC बैंक का BC पॉइंट मिल गया है तो आप किस तरह आधार सेंटर खोल सकती है, क्या नहीं खोल सकती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग आ चुका है डायरेक्ट आधार सेंटर में, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हम लोग क्या सर्च किया है, IDFC आधार सेंटर। जब दोस्तों हम लोग सर्च किया तो हमको नीचे डाउन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं www.IDFCBank.com दोस्तों, ये दोस्तों ऑफिशियल साइट है, चलिए हमको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जब दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, करने के बाद दोस्तों आपका सामने इस तरह का इंटरफेस खोल के आ जाएगा जिसमें आपको एक फाइल वगैरह डाउनलोड करने के लिए बताएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जगह में बोल तो IDFC बैंक का तरफ से आधार सेंटर प्रोवाइड किया है और आधार सेंटर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाता है कर्नाटक, जो कंतूर में है ब्रांच, और यहाँ पे दिल्ली में है द्वारका, राजस्थान राजस्थान में है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उसके बाद दोस्तों नीचे रन करेंगे छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसमें दोस्तों बहुत सारा नाम आता है। ठीक, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, लेकिन हम वेस्ट बंगाल देखेंगे है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी है, देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे वेस्ट बंगाल में सॉल्ट लेक में है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पूरा डिटेल्स इसको दे के रखा है, सॉल्ट लेक में हमारे वेस्ट बंगाल में इसका सेंटर है। तो दोस्तों आपको अभी आधार सेंटर कैसे मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपका सॉल्ट लेक जो वेस्ट बंगाल से है, तो दोस्तों इस एड्रेस में जाके जो इसका टीम है, कस्टमर टीम है, जो मैनेजर है, उसका साथ आप कांटेक्ट कर सकती है। ठीक है, जो सॉल्ट लेक का जो मैनेजर है बैंक का, उसका साथ आप जाके कांटेक्ट कर सकती है, तब दोस्तों आपको मिल सकती है। ठीक है, आधार सेंटर मिल सकती है। अभी और नीचे डाउन करेंगे, सिर्फ वेस्ट बंगाल में सिर्फ सॉल्ट लेक को मिला है और कहां पे भी शायद हम लोग नहीं देख पा रहे। ठीक है, क्योंकि मालदा डिस्ट्रिक्ट में तो है नहीं है, तो आप दोस्तों सॉल्ट लेक में जो कलकत्ता का अंदर है तो उसके लिए तो अच्छा है, वहां पे जाके बात करके ले सकती है। यहाँ पे तो देख पा रहे RN मुखर्जी रोड ब्रांच, दोस्तों यहाँ पे कोलकाता में भी है, वेस्ट बंगाल कोलकाता भी है। ठीक है,
उसके नीचे आप डाउन करेंगे, यहाँ पे कम से कम आपको मिलता है 7 पेज, ठीक है। यहाँ पे 7 पेज में जो भी स्टेट में ये जो आधार सेंटर प्रोवाइड किया है, जो IDFC बैंक की तरफ से आधार सेंटर रन कर रहा है, तो वहाँ का लोकेशन यहाँ पे शो हो रही है। अभी आप बोल सकते हैं भाई हमको आधार सेंटर कैसे मिलेगा, तो हमारे पास तो IDFC बैंक का फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से मिला हुआ है, तो हमको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों बहुत जल्द सबको मिलने वाला है आधार सेंटर शायद, क्योंकि फिनो का जब दोस्तों BC दे रहा है, IDFC बैंक का BC प्रोवाइड कर रहा है, तो आने वाला फ्यूचर में और आने वाला दिन में दोस्तों आपको इस बैंक का जो सुविधा है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आने वाला फ्यूचर में, इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आने वाला फ्यूचर में आपको शायद आधार सेंटर दोस्तों फिनो का IDFC बैंक का जो मार्च हुआ है उसका साथ ही आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सैंपल आपको लिखना क्या है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड डाल के दोस्तों अप्लाई में क्लिक कर देना है। तब दोस्तों आपका अप्लाई सक्सेसफुल प्रोसेस चला जाएगा और आपका जो अपना एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा। तब दोस्तों उसको बताना जो मेरे को आधार सेंटर चाहिए, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। IDFC बैंक का दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा दिया हूँ कि ये जगह में आपको आधार सेंटर खोलने का चांसेस मिला है और मौका